नेपाल से सटे बिहार के इस जिले में पहली बार लोग अपने क्षेत्र में ट्रेन चलते हुए देख पाएंगे। तेजी से चल रहा है ट्रैक बिछाने का काम। भारतीय रेलवे तेजी से अपना विस्तार कर रही है। कई ऐसी जगहों पर रेल सेवा शुरू हुई है जहां इससे पहले कभी ट्रेनों का पहुंचना एक सपना बनकर रह गया था। बिहार में भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां कई सालों के बाद रेल सेवा शुरू हुई है। अब इसमें जल्द ही अररिया जिले के ठाकुरगंज का इलाका भी शामिल होने जा रहा है। यहाँ अररिया से गलगलिया तक कुल 100 किलोमीटर रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है, जिसके बाद ठाकुरगंज से नेपाल बॉर्डर के सुदूर इलाके की ग्रामीण भी अब रेल का सफर का आनंद ले सकेगी। नॉर्थ फ्रंट रेलवे के तहत रेल लाइन बिछाने के काम को तेजी से किया जा रहा है। बताते हैं कि इस इलाके के लोगों ने कभी ट्रेन को नजदीक से नहीं देखा है। ना सिर्फ बच्चे बल्कि उनके परिवार के बड़े सदस्यों ने कभी रेल में सफर नहीं किया है। बताते हैं कि आजादी के बाद बिहार के इस हिस्से में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। अब नए रेल लाइन बनने से एक तरफ जहां ग्रामीणों में उत्साह है, लोगों को उम्मीद है कि इस क्षेत्र में अब दिन बदलेंगे। वहीं सांसद प्रदीप सिंह ने इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भागीरथी प्रयास बताया है। अररिया के नेपाल बॉर्डर से समीप कलियागंज के ग्रामीण नई रेल लाइन के निर्माण से काफी खुश दिखे। बताते चले कि इस रेल खंड निर्माण के बाद खवासपुर, लक्ष्मीपुर, सौर गाँव, बरताहा, कलियागंज समेत नेपाल से सटे कई ग्रामीण इलाके रेल से जुड़ जाएंगे। नेपाल सीमावर्ती इस क्षेत्र में विकास के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। कानूनी जग न्यूज के लिए अररिया से ब्यूरो रिपोर्ट।